आगरा छावनी रेलवे स्टेशन परिसर में प्रीपेड ऑटो टैक्सी ड्राइवर यूनियन आगरा कैंट के तत्वाधान में शुद्ध आरओ शीतल जल की प्याव का शुभारंभ समाजसेवी पूर्व असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब दिगंबर सिंह धाकरे और वर्तमान अध्यक्ष रोटरी क्लब राकेश जैन, सुनील कपूर यूनियन अध्यक्ष साहिद खान, महामंत्री अनिल शर्मा ने मीठे शरबत के साथ शुभारंभ किया। दिगंबर सिंह धाकरे ने सभी ऑटो टैक्सी चालकों को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दी। प्याव के उद्घाटन के लिए बहुत साधुवाद काम हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा गर्मी में जरूरत है पानी और लोग खरीद नहीं पाते हैं। जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, यात्री हैं, उनके लिए सुविधा है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने हमको ये काम करा दिया है। सबको साधुवाद। प्रीपेड टैक्सी एसोसिएशन के आग्रह पर रोटरी क्लब आज यहाँ आया है इस प्याऊ के उद्घाटन में, और हम इन्हें अपने आर्थिक सहयोग की भी इच्छा रखते हैं और जैसे इनकी जरूरत पड़ेगी हम इनका सहयोग। मैं ये कहना चाहूँगा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है भाई। आज ये प्रीपेड टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के सहयोग से और रोटी क्लब तो हमेशा ही इनके साथ है, LTA के इन सबके साथ है, इनके सहयोग से प्याऊ का उद्घाटन हुआ है। ये समय की मांग है। आज जो टेम्परेचर जो नौतापा तक से शुरू हुआ है, ये टेम्परेचर जो 46, 47, 48 तक जा रहा है, इसमें यात्री यहाँ बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि यहाँ प्याऊ की सुविधा उतनी नहीं है जितना होना चाहिए, जल उतना उपलब्ध नहीं है और हर व्यक्ति जो जल खरीद नहीं पाता, 20 रुपये की बोतल आती है अपने की। तो इन्होंने जो है ये आज मीठे जल की प्याऊ लगाई है, उन्होंने जल की शुद्ध जल की ठंड जल की प्याऊ लगा रहे हैं, उसका उद्घाटन है और ये पूरे गर्मी में चलेगी। मेरा इस पूरे एसोसिएशन को रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने कम से कम मानव मात्र की सेवा के लिए आज ये पहल। ये सहयोग हमारे साथियों का है, इसमें जिन्होंने जो बहुत ज्यादा मेहनत करी है, जसवीन पवार, नईम, सोनू और ये भूरा, ये 4-5 लोग हैं, इन्होंने एक योजना बनाई है और अध्यक्ष जी को साहिद खान जी को बताया है, उसके बाद में हम लोगों ने इसको मूर्त रूप दिया है और ये सुचारू चलेगी। इसके अंदर आरओ का ठंडा जल आएगा रेगुलर और दिन में कम से कम ये 6-7 दफा पूरी करी जाएगी। इसके खर्चे के लिए रोटरी क्लब ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर फंड की जरूरत पड़ेगी तो रोटरी क्लब उसके लिए फंड उपलब्ध कराएगा। टैक्सी ऑटो ड्राइवरों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य जो निरंतर 17 साल से करते आ रहे हैं, इस साल भी प्रारंभ किया है, आज उसका उद्घाटन किया है रोटरी क्लब के सहयोग से और सभी ड्राइवरों को आज शरबत वितरण कराया जा रहा है और रेगुलर पूरी गर्मियों तक इसमें आरओ का पानी, ठंडा पानी वितरित किया जा रहा है निःशुल्क। इसमें सभी लोगों का सहयोग है, सभी ड्राइवरों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग, सभी यहाँ के सम्मानित व्यक्तियों का सहयोग है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ।